प्रदेश भर में कोरोना ने एक बार फिर अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। लगातार प्रदेश भर में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। इसी के मद्देनजर शिवपुरी में राष्ट्रीय सेवा योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को साथ लेकर लोगों में कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी। साथ ही कहा, लोग हमेशा मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें। शहरवासी और दुकानदार अपने अपने प्रतिष्ठानों के बाहर गोल घेरे बनाएं और ग्राहक को बिना मास्क के कोई भी सामान ना दें, जिससे हम कोरोना से बच सके। इसके साथ ही शहर के प्रमुख सभी बाजारों में जन जागरूकता रैली भी निकाली गई और लोगों को मास्क भी वितरित किए गए। कोरोना बढ़ रहा है, इस पे सहमति कोई नहीं हो सकता और कोशिश ये रहनी चाहिए कि कोरोना के दरमियान भी आम जन की जिंदगी चलती रहे, कारोबार चलते रहें, व्यापार चलता रहे। और उसके लिए जरूरी है कि जो सावधानियाँ कोरोना के संक्रमण को बढ़ाने के से रोकने के लिए चाहिए वो हम करें, और उसके लिए ये तरीका है कि लोगों को सचेत करें, अलर्ट करें। तीन पहले से हम कहते रहे हैं, क्या मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, सैनिटाइज करिए। अब उसमें चौथी चीज़, जिसकी बारी आ जाए बिल्कुल समय से वैक्सीनेशन कराए। एक जिसकी बारी में आपकी खुद की बारी भी है और आपके घर में रहने वाले वृद्धों की बारी भी शामिल है, ठीक है। 45 साल से ऊपर वाले बीमार लोगों की बारी भी शामिल है। ये चार चीज़ों का अगर ध्यान करेंगे, ध्यान रखेंगे, उनसे सावधानी बरतेंगे, तो कोरोना के संक्रमण को हम नियंत्रित कर पाएंगे। फिर शायद हम ऐसी स्थिति में रहेंगे कि हमारे कारोबार भी चलते रहें, व्यापार भी चलते रहें, मजदूर के काम भी होते रहें, किसान के काम भी होते रहें और कोरोना भी नियंत्रण में। ये मकसद, ठीक है। या तो आज हम ये कर लें तो वही शटडाउन लॉकडाउन फाइनली अपने को करने की मजबूरी आएगी। इसमें सब लोग परेशान, पूरा महीना तभी कर लें तो बहुत परेशानियों से हम। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की ये रिपोर्ट।